तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इससे पहले दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, 1 से लेकर 4 और 5 से लेकर के 8। तो दो वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो देखिए, थर्ड वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जितने भी आगे इस वीडियो में हो सकेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है, देखिए अब ये देखिए, ये पार्ट हमारे पास प्लस का है। एक चीज बताइए, हमें कंडीशन क्या बनानी पड़ती है, dy अपॉन में dx कंडीशन बनानी पड़ती है। तो यहां पे dx आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट प्लस का है, तो उधर ले जाएंगे क्या माइनस का नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे dy बराबर, ये पार्ट प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पे cot x dx माइनस का 2xy और यहां पे dx, देखिए ले गए ये वाला पार्ट, ये प्लस का था तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए, इससे पहले अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखे जा करके, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहां पे, अब यहां पे आप बताएं, ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे dy, अब क्या इसमें dx और dx आपको कॉमन नहीं मिल जाएगा, बोलो। तो यहां पे हमने ले लिया dx कॉमन, तो ये बचा यहां पे cot x माइनस का 2xy, बोलो इस बात से एग्री हैं आप, ठीक है। अब यहां पे बताइए, क्या dy अपॉन में dx की कंडीशन नहीं बन सकती, इधर देखिए, तो ये है dy अपॉन में dx, dx को इधर लेकर आओ, dy अपॉन में dx, ये वाला पार्ट उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा cot x माइनस का 2xy अपॉन में कितना आ जाएगा, बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्या आ गया, अपॉन में इसके आ गया, बात समझ में। अब क्या इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग अलग बात बन सकती है कि नहीं, यहां पे बोलो, यहां पे अलग अलग बात बन सकती है कि नहीं, कैसे, देखो यहां पे लिखा है cot x, बोलो, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात समझ में। यहां पे कितना लिखा है, 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए अपॉन में कर लिया, ये भी अपॉन में कर लिया, जब एलसीएम लोगे तो कंडीशन में अपनी क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, ठीक है, अपनी कंडीशन में आ जाएगा। अब क्या करें, हमें बनाना कौन सी कंडीशन है, हमें कंडीशन बनानी पड़ती है ये वाली, क्यों, हमें कंडीशन dy अपॉन में dx प्लस यहां पे py बराबर q, ये कंडीशन हमें बनानी पड़ती है। तो क्या अभी ये कंडीशन बनी है, बोलो, नहीं बनी है, क्योंकि dy अपॉन में dx मिल चुका है, यहां पे py, अब देखिए y यहां पे दिख रहा है आपको, तो ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, सॉरी माइनस का पार्ट इधर आ जाएगा प्लस में, तो यहां पे dy अपॉन में dx प्लस यहां पे 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, बोलो, cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बचा कि नहीं, बोलो, ये हमारे पास, ये माइनस करता था इधर लेकर आए प्लस में। अब आप ध्यान से देखें अपनी गंदी निगाहों से, किस निगाहों से, गंदी निगाहों से देखें कि ये dy अपॉन में dx प्लस py बराबर क्यों दे रखा है, dy अपॉन में dx py बराबर क्यों, देखिए y का कंडीशन में आ गया, तो यहां पे जब कंपेयर कराएंगे तो यहां पे p बराबर क्या 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं निकल आएगा, q बराबर क्या आपका cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं निकल आएगा। तो यहां पे लिखिए, तुलना कराने पर यहां पे लिखिए, ऑन कंपेयरिंग dy अपॉन में dx प्लस py बराबर q, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो जब तुलना करेंगे तो dy अपॉन में dx कंपेयर हो गया, टेक्निकल टर्म दिखेगा नीचे, ठीक है। यहां पे देखिए py और यहां पे क्या है y सिर्फ, तो y से y कंपेयर हो गया, क्या p बराबर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं निकल आएगा, तो p बराबर यहां पे लिख सकते हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए p का वैल्यू निकल आया यहां पे। अब q बराबर क्या ये नहीं निकलेगा, बोलिए, यहां पे Q बराबर आपका जो निकलेगा हमारे पास cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो निकल आया कि नहीं, ये इस बात से एग्री है, गेटिंग माय पॉइंट। अब जब ये कंडीशन निकल आती है तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, या उसको हम कह दें कि वो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन dx प्लस c, जहां c एक समाकलन नियतांक होता है, और हम जानते हैं जहां पे इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर होता है e की पावर p और ये dx, तो e की पावर p,
तो यहां पे y इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन फंक्शन हम फिर बोल देते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर यहां पे है, ठीक है। देखिए फंक्शन पढ़ाते पढ़ाते आदत फंक्शन की बन चुकी है, तो आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है समाकलन गुणांक होता है, क्या होता है समाकलन गुणांक। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू कितना है, e की पावर p और यहां पे dx इंटीग्रेशन q, e की पावर इंटीग्रेशन p और ये dx और ये dx और प्लस क्या आ जाएगा c। अब जहां जहां पे आपको p और q दिख रहा है, कहां कहां p q दिख रहा है, वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी p और q की वैल्यू। p की वैल्यू कितना है बोलो, यहां पे 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, बोलो e की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx बराबर q का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना निकाला हम लोगों ने cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और ये प्लस कितना आ जाएगा c। सॉरी अभी इंटीग्रेशन का भी तो रखना है, e की पावर इंटीग्रेशन p, p का वैल्यू कितना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और ये dx प्लस कितना आ जाएगा c। बोलो समझ आया, p का वैल्यू हमने यहां पे रखा, p का वैल्यू हमने यहां पे रखा, q का वैल्यू हमने यहां पे रखा, cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी बात समझ में। अब देखिए क्या अगर यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें तो क्या 2x और dx के इक्वल नहीं आ जाएगा, जो चीज यहां पे निकल के आएगी 2x dx वही चीज यहां पे निकल के आई। इसको अगर t मान लें तो मान लीजिए इसको t, देखिए हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन में इक्वल लाना कैसे, तो इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इंटीग्रेशन पूरा देखे जा करके, वहां इक्वल कैसे लाया जाता बहुत बेसिक से बताया गया, बहुत ही बेसिक से बताया गया उसमें। तो यहां पे मान लेते हैं, लेट कितना माना t बराबर हम मान लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dt अपॉन में dx 1 का हो जाता है 0, ये nx की पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा 2x, लाना किसके इक्वल था 2x dx के, तो सिर्फ dx को वहां भेज दीजिए, तो dt बराबर हमारे पास निकल के आया 2x और ये dx, तो 2x dx किसके इक्वल आ गया dt के आ गया। यहां पे रखिए y इंटू e की पावर इंटीग्रेशन, यहां पे क्या रखेंगे dt और इसको क्या माना था t बराबर, इसको क्या करेंगे ऐसे रखेंगे cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात समझ में। देखिए क्वेश्चन जो दे रखा होता है अपने आप ही माइनस कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप छोटा होता चला जाता है, ठीक है। बस क्या है आपको फ्लो बनाना पड़ेगा, और फ्लो के लिए क्या होगा आपको बहुत ही प्रैक्टिस करने पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस बहुत करें, तो यहां पे जो कंडीशन यहां पे होती ध्यान रखिए वही कंडीशन यहां पे होती, तो तुरंत लिख दीजिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, dt अपॉन में कितना लिख देंगे t और यहां पे dx और प्लस कितना आ जाएगा c। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब ये जो फॉर्मूला होता है dx अपॉन में x, तो t है तो यहां पे t के फॉर्म में कर देंगे, तो e की पावर log mod t, बोलो आ गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है log mod x, तो t है तो यहां पे t के रिस्पेक्ट में किया, यहां पे cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहां पे चीज निकलेगी वही हमारे पास यहां पे निकलेगी log mod t इंटीग्रेशन कराने पर, और यहां पे dx प्लस कितना आ गया c, जहां c एक समाकलन नियतांक होता है। अब एक चीज बताएं हमारे पास जो t बराबर माना था, क्या टेक्निकल डी यहां देख सकता है एक लाइन, यहां पे देखिए y इंटू e की पावर log, क्या t की जगह पे हम लोग नहीं रख सकते हैं क्या, जो माना था हम लोगों ने क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड में लिखें या सिंपल ब्रैकेट में लिखें डजंट मैटर, हमने आपको बताया था ये चीज, 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर लॉग, t का वैल्यू यहां पर भी रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कितना आ जाएगा c। अब एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि e की पावर लॉग, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा हो कुल मिला के लॉग के आगे चाहे जितना लिखा हो तो सिर्फ वही आगे वाला फंक्शन इनटू में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां पे देखिए पिछली वीडियो में बताया था इसको डिटेल से, e की पावर लॉग एक्स सॉरी e की पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर लॉग क्या हो जाएगा रिमूव कर देते हैं, क्या लेते हैं सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां पे आता है इनटू में आ जाता है। तो यहां पे लिखिए y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खड़े हो जाइए टेक्निकल टीम, उधर हम थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। देखिए इंटू में आ गई ये चीज, बराबर यहां पे कितना है cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी जो है पावर इंटू में आ जाएगी, तो यहां पे क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पे dx प्लस c। बोलो बात समझ आई कि नहीं है, ये बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। ये कैसे आया e की पावर log x स्क्वायर, log के आगे चाहे जितना बड़ा फंक्शन होगा वही फंक्शन सिर्फ हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर
वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? बोलो इस बात से आप एग्री हैं, बोलो। अगर इस बात से एग्री हैं तो वीडियो को एक बार थम्सअप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं अब आगे, देखते हैं इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आएगा आगे और सॉल्व होगा। तो यहाँ पे वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन कॉट एक्स और ये डी एक्स प्लस क्या निकल के आ गया, सी निकल के आ गया। बोलो इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग सॉरी कॉट एक्स का फॉर्मूला बताएंगे। देखिए इंटीग्रेशन कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया था लॉग मॉट में साइन एक्स होता है, क्या होता है, कॉट एक्स बराबर होता है, कॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉट में साइन एक्स। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉग मॉट साइन एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। अब देखिए यहीं पे आंसर छोड़ देंगे तब भी 100% आपका सही होता है, आगे बढ़ाना हो तो वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, लॉग यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए ये पावर प्लस की तो ऊपर जाएगी, देखिए पावर यहाँ पे वन ही तो है, प्लस की है तो ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। लॉग मॉट एक्स में लिखें या सिंपल में लिखें, यहाँ पे प्लस की है तो ऊपर जाएगी, पावर माइनस वन हो गया, माइनस हो जाएगी वन। यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन और यहाँ पे इंटू सी, यहाँ पर भी आपका आंसर 100% सही होता है। तो चाहे ये वाला आंसर आप रखें, चाहे ये वाला, चाहे ये, क्योंकि लास्ट यही सॉल्व होगा, इससे आगे नहीं सॉल्व होगा। क्या आंसर आ रहा, हम चेक कर लेते हैं एक बार आंसर कितना आ रहा। देखिए वाई बराबर लॉग साइन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन प्लस सी वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन। तो चलिए देख चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आएगा। टेक्निकल टीम बोर्ड सही से सेट है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या कंडीशन हमें बनानी पड़ती है, पहले dy अपॉन में dx बनाना पड़ता है। तो dy अपॉन में dx हम लोग निकाल लेंगे तभी जाकर के हम लोग कंपेयर कराते हैं। तो देखिए अभी dy अपॉन में dx है लेकिन इसके पास x भी है, तो अभी बाद में x को रिमूव करेंगे, पहले कंडीशन देखिए हमें क्या बनाना है। तो x dy अपॉन में dx हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस यहां पे देखिए y प्लस xy और यहां पे cot x, ये माइनस का x है तो उधर जाएगा प्लस का x हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ नहीं, ठीक है। अब एक काम करें, यहां पे x से क्या हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ dy अपॉन में dx लाया जाता है और जो पार्ट यहां पे होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे लिखिए x डिवाइडिंग बाई बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। जब x से डिवाइड करेंगे तो ये dy अपॉन में dx निकल के आएगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पे जब x से डिवाइड करेंगे तो ये y अपॉन में x निकल के आएगा, बोलो। जब यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे, देखिए ऐसे करोगे आप, x यहाँ पर भी x, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, x कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन में dx आया। यहाँ पे क्या बचा, y अपॉन में x, ये x कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे y और ये कितना आ गया cot x बराबर, यहाँ पर भी x से डिवाइड, तो क्या यहाँ पे 1 नहीं बचेगा। बोलो इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है आप बताएं, ये dy अपॉन में dx है, प्लस क्या y और ये y कॉमन नहीं मिल जाएगा। जब y कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे 1 अपॉन x और यहाँ पे cot x बराबर कितना है, बोलो 1 है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कंडीशन बन गई, कौन सी कंडीशन, यहाँ पे कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग dy अपॉन में dx प्लस यहाँ पे py बराबर क्यों, इसी से तो तुलना करते हैं हम लोग। जब तुलना कराते हैं तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx हट जाता है, y से y कंपेयर हो गया, तो p बराबर जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई, क्या निकल आया, 1 अपॉन x और यहाँ पे cot x, तो ये पहला निकल के आया। q बराबर देखिए कितना निकल आया, q बराबर यहाँ पे निकला 1 निकल के आया। बोलो जब ये निकल आता है तो हम यूजिंग फार्मूला यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक रिलेशन होता है इसका, फार्मूला होता है यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर समाकलन गुणांक बराबर सौ प्लस c और यहाँ पे dx और ये प्लस क्या आ जाता है c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक होता है। और हम जानते हैं कि जहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p और ये dx, यहाँ पे रखिए, तो y इंटू e की पावर यहाँ पे p dx, यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेशन की जब आप क्या रखेंगे e और p dx, यहाँ पे dx प्लस c, दिख रहा है टेक्निकल टीम क्या, ये y इंटू e की पावर dx प्लस
सॉरी बराबर क्यू इंटू ई की पावर पी डीएक्स डीएक्स प्लस सी। अब जहां जहां पे पी और क्यू दिख रहा है वहां पे वैल्यू पुट कीजिए, पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, यहां पे रखिए, क्या रखेंगे बोलो, वाई इंटू ई की पावर पी, पी की जगह पे वन अपॉन एक्स, यहां पे कॉट एक्स और ये डीएक्स बराबर क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है वन, क्यू का वैल्यू कितना है बोलो वन, इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन में क्या रखेंगे ई की पावर वन अपॉन एक्स, यहाँ पे कॉट एक्स और ये डी एक्स, और ये डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी, जहाँ सी एक समाकलन क्या हो जाता है हमारे पास नियतांक हो जाता है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, तो अगर यहाँ तक समझ में आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जब आएगा तो ये वन अपॉन में एक्स और ये डी एक्स, इंटीग्रेशन का भी मल्टीप्लाई करो डी एक्स का भी मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स, यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई कराया, जो वन का मल्टीप्लाई करोगे वन ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है वन का, तो वन अपॉन एक्स और ये डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई कराइए कॉट एक्स, यहाँ पे डी एक्स और ये डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी, जहाँ सी एक समाकलन क्या हो जाएगा नियतांक हो जाएगा। अब ये देखिए वन अपॉन एक्स ये किसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, अब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये लॉग मॉड एक्स का हो जाता है, और ये कॉट एक्स अभी हमने आपको बताया था कि कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ यहाँ पर निकलेगी वही चीज़ यहाँ पर निकल के आएगी, तो लॉग मॉड एक्स प्लस कॉस की जगह पर क्या लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स, और यहाँ पे dx प्लस क्या आ जाएगा सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक। अब एक चीज़ यहाँ बताइए log m इंटू एन, क्या log m इंटू एन के यहाँ पे थ्योरम नहीं लग जाएगी, हमने आपको बताया था कि log m इंटू एन अगर लिखा है तो ये log m प्लस log n की थ्योरम होती है कि नहीं, देखिए यहाँ पे तो ये log m प्लस n के फॉर्म में लिखा है कि नहीं, log m, m की जगह पे ये है, n की जगह पे ये है, m की जगह पे ये है, n की जगह पे ये है, तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, तो e की पावर यहाँ पे log कितना हो जाएगा बोलो x और ये sin x, ब्रैकेट में लिख लें चाहे मॉड में लिख लें डजन मैटर, यहाँ पे e की पावर जो वहाँ पे होगा यही कंडीशन यहाँ पे x और ये sin x बोलो और ये dx प्लस क्या आ जाएगा c। अभी हमने आपको बताया कि कोई फंक्शन अगर e की पावर log x, x के आगे अगर log के आगे कोई भी फंक्शन लिखा है तो सिर्फ इसको लिख लेते हैं बराबर कितना है बोलो x, इसको हटा देंगे क्या हो जाएगा x sin x सिर्फ हो जाएगा, बताया था ना, तो अब तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, तो यहाँ पे x और ये sin x आ गया तो यहाँ पर भी हटा दीजिए कितना आ जाएगा x और ये sin x और ये dx प्लस c। अब देखिए क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं बन गया यहाँ पे, क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब खंडसा समाकलन यूज करेंगे और खंडसा समाकलन का फॉर्मूला तो अब आपके नस नस में बस गया होगा, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट को रोकते हैं फिर sin x का इंटीग्रेशन फिर होल इंटीग्रेशन यहाँ पे d अपॉन में dx डिफ्रेंशिएट u का करते हैं मतलब फर्स्ट का, यहाँ पे फिर साइन एक्स और ये डी एक्स और फिर क्या करते हैं होल डी एक्स और प्लस सी ऑलरेडी लगा है यहाँ पे, तो वाई इंटू एक्स और ये साइन एक्स हमारे पास है एक्स, साइन कट इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो माइनस का कॉस एक्स होता है माइनस, यहाँ पे बताइए एक्स का कितना हो जाएगा वन और कॉस साइन का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, अब ये वाला डी एक्स होल डी एक्स क्योंकि इसका हो चुका है डी एक्स, अब ये वाला डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। एक चीज़ बताएं वाई इंटू एक्स और ये साइन एक्स लिखा है ये माइनस है तो माइनस एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं बोलो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई कॉस से कराएंगे तो कॉस एक्स ही रहेगा और डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, तो टेक्निकल टीम थोड़ा आप खड़े हो जाइए, देखिए इधर थोड़ा दिखा दीजिए y x y तो यहाँ पे हो जाएगा x y यहाँ पे sin x बोलो x y sin x माइनस x cos x प्लस, अब ये बताइए cos x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है sin होता है, बढ़ाया गया ना आपको तो यहाँ पे sin x और प्लस क्या आ जाएगा c, जहाँ c एक समाकलन क्या होता है नियतांक होता है। अब देखिए किससे डिवाइड कर दो x sin क्योंकि y बराबर निकालते हैं या सिंपल यहीं पे छोड़ दो आंसर आपका गलत नहीं होगा, x y से x sin x से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पे लिखिए x sin x से डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड में तो माइनस x cos x अपॉन में कितना है x sin x से डिवाइड कर रहे हैं ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है sin x डिवाइड किससे कर रहे हैं x sin x से प्लस c अपॉन में कितना है बोलो x sin x, तो sin x कैंसिल x से x कैंसिल। अब एक चीज़ बताएं यहाँ पे जो y है ये cos अपॉन sin कंडीशन बन रहा है तो माइनस का cot x नहीं बन जाएगा बोलो, प्लस
यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, तो ये वन अपॉन एक्स ही बचा। ये पावर प्लस का है या फिर ऐसे ही आप रखे रहने दिए, x अपॉन में साइन x, यही पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर और सॉल्व करना हो तो इसको ऊपर ले जाएं या 1 अपॉन x कॉमन ले ले, डजंट मैटर, आंसर आपका यहीं पे छोड़ दीजिए 100%। नंबर 13 का हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, आप कहोगे सर आपने जो क्वेश्चन हटवाए कौन से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक सिलेबस से क्या है, रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे dy अपॉन में dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में इस बार पूछा जाएगा, dx अपॉन में dy प्लस px बराबर q के फॉर्म में क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि नया जो अभी सिलेबस आया है उसमें जो चीजें हटाई गई हैं वो चीजें हम आपको नहीं यहां पढ़ाएंगे, बिल्कुल अपडेटेड, मतलब जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्लासें आपकी चल रही हैं। तो देखिए यहां पे आपको देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, dy अपॉन में dx प्लस 2y tan x बराबर sin x, और यहां पे जहां पे y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 3। देखिए क्वेश्चन वही होंगे, यहां पे सिर्फ क्या है अब इस क्वेश्चन में थोड़ा बस चेंज करेगा, y बराबर 0 का मान रखेगा, x बराबर पाई बाई 3 लास्ट में वैल्यू रखेगा, पहले क्वेश्चन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ही मतलब सॉल्व करेंगे। अब एक चीज बताएं यहां पे जो ये कंडीशन दे रखी है, तो अब आपको यहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम यहां पे कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग dy अपॉन में dx प्लस py बराबर कितना है बोलो, क्यों है कि नहीं यहां पे, तो ये ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको इसमें मेहनत भी नहीं करना। देखिए y के टर्म है, y आ गया, क्यों कांस्टेंट टर्म, क्यों यहां पे sin x आ गया, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा, कंपेयर हो गया। तो ये बताओ क्या y बराबर जो निकल के आ रहा, y से y देखो कंपेयर हो गया, क्या बचा 2 tan x, इस बात से एग्री हैं बोलो, सॉरी p बराबर कितना है, p बराबर निकल आया। और एक चीज बताएं जो q बराबर क्या sin x नहीं आपका निकल रहा है बोलो, कितना है sin x, तो q बराबर कितना निकल आया sin x तुलना कराने पर। अब हम जानते हैं इसका रिलेशन क्या है, तो है y इंटू e की पावर p dx बराबर q इंटू e की पावर p dx, और यहां पे dx प्लस क्या आ जाता है c, और जहां हम जानते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक क्या होता है, e की पावर p और ये dx आपको पहले से बताया जा सकता अंडरस्टूड है, तो यहां पे क्या किया हमने, डायरेक्ट यहां पे रख दिया इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह पे। अब जहां जहां पे p दिख रहा है, p का वैल्यू रखिए, q का रखिए, तो e की पावर यहां पे 2 tan x बराबर q की वैल्यू कितना है बोलो, sin x इंटू e की पावर यहां पे q, q की जगह पे बोलो कितना है 2 tan x और ये dx, और यहां पे dx प्लस c, जहां क्या है c एक समाकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ये बात। अब एक चीज बताएं यहां पे, जब आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो यहां पे तो 2 कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, तो y इंटू 2 कांस्टेंट टर्म जब बाहर लेंगे हम, यहां पे ध्यान से देखिएगा 2 कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, तो यहां पे tan x और ये dx है कि नहीं बोलो, यहां पे tan x और क्या है dx बराबर जो यहां पे हो गया वही कंडीशन यहां पे होगा, e की पावर 2 कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, तो tan x और ये dx, और ये dx प्लस क्या आ जाएगा c, और हम जानते हैं कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, log sec x इंटीग्रेशन होता है। बोलो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, log sec x होता है। हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन tan x और dx यहां पे दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x, एक cos में होता है लेकिन यहां पे क्या यूज करेंगे, sec में यूज करेंगे, अगर cos यूज करेंगे तो कैसा आ जाएगा सिंबल, माइनस का आ जाता है। बोलो आपको बताया गया ये चीज, तो यहां पे करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब इसका इंटीग्रेशन करोगे tan का तो 2 ऑलरेडी है, तो log यहां पे mod में क्या आ जाएगा sec x, बोलो यहां पे कितना है sin x, ये कितना आ जाएगा e की पावर 2 log यहां पे sec x, और यहां पे dx प्लस c जो यहां पे कंडीशन निकल के आती है वही कंडीशन यहां पे, क्योंकि ये कंडीशन क्या होती है इक्वल होती है। अब आपको हमने बताया देखिए यहां पे 2 है, अगर यहां पे इसको ऊपर ले जाएं ऐसे, क्यों, क्योंकि log m की पावर n जो थ्योरम आपने पढ़ी है, क्या ये n log m नहीं हो जाता है बोलो, अब तो अपने बच्चों को भी आप इतना मतलब रट गया होगा कि आप अपने बच्चों को भी बताओगे कि m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है, तो जहां पे n log n लिखा है तो पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर है, तो क्या ये e की पावर यहां पे log यहां पे mod में लिखा है, क्या सिंपल लिख सकते हैं, तो ये sec x की पावर 2 हो जाएगा इंटू यहां पे sin x,
ई की पावर जो वहां पे कंडीशन आएगी वहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे sec x की पावर कितना है बोलो, 2, और ये dx प्लस c। हमने आपको बताया था क्या बताया था, e की पावर log x हटा देंगे, इसके आगे जो फंक्शन होगा वही क्या आ जाता है, इंटू में आ जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या आ गया, y इंटू sec स्क्वायर x, यहाँ पे कितना है साइन x, यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx प्लस c। ये देखिए sec स्क्वायर x, इसका वैल्यू क्या हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे e की पावर यहाँ पे log, अदर फंक्शन कोई भी हो तो सिर्फ यही फंक्शन लिख देते हैं, क्या x है तो सिर्फ क्या लिख देंगे x, sec x स्क्वायर है तो क्या कर देंगे sec x स्क्वायर। तो अब एक चीज़ बताइए, sec x स्क्वायर था तो अगर कोई चीज़ ब्रेकेट में ऐसे लिखी है तो यहाँ पे क्या x स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते बोलो, और यहाँ पे sec लिखा था, देखिए यहाँ पे sec x का स्क्वायर लिखा तो हमने क्या कर दिया इसको sec स्क्वायर x लिख दिया, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। तो y इंटू यहाँ पे क्या हो गया sec स्क्वायर x sin x। एक चीज बताएं, जो ये लिखा है sin x, sec को अगर अपॉन में लाएंगे तो रिलेशन इसका क्या होता है रेसिप्रोकल cos स्क्वायर x, और यहाँ पे dx प्लस c। अब cos स्क्वायर x को क्या दो बार हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x बोलो, दो बार लिख लिया क्योंकि स्क्वायर था ना तो दो बार है। अब देखिए sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बोलो, y sec स्क्वायर x, यहाँ पे sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बोलो tan x, और cos ऊपर जाएगा बोलो क्या हो जाएगा sec x, और ये dx प्लस क्या आ गया c। बोलो इतनी बात पहले आपको समझ में आई कि नहीं, तो इतनी बात समझ में आई हो तो पहले वीडियो को थम्सअप करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे बताइए y यहाँ पे sec स्क्वायर x, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे sec x और यहाँ पे tan x, और ये dx आपको बताया गया था इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो sec x प्लस c, जहाँ c क्या है समाकलन नियतांक है। आप क्वेश्चन को अगर यहाँ पे छोड़ना है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, अगर आगे और बढ़ाना हो तो आप और बढ़ा सकते हैं। तो एक काम करें, क्या हम इसको इक्वेशन को वन मान लें, यहाँ पे क्या मान लें वन मान लें। अब कहोगे सर वन क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन अभी यहीं पे नहीं खत्म हुआ है, अभी देखिए यहाँ तक तो इंटीग्रेशन अगर हम मतलब ये वाला फंडा सिंपल सॉल्व करते तो यहाँ तक आंसर सही था, sec स्क्वायर x से हम डिवाइड कर देते आंसर निकल आता, या यहीं पे छोड़ देते आंसर निकल आता। लेकिन अब आगे स्टेप जो इसमें बढ़ाता है ये बढ़ा दिया, y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 3, जब y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 3 रखोगे तो c का मान निकालना होता है, जब c का मान निकलेगा फिर यहाँ पे इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुट क्या रखोगे बोलो, x बराबर पाई बाई 3 और y बराबर कितना रखोगे 0, x बराबर पाई बाई 3 y बराबर 0, यही तो है हमारे पास। चलिए रखते हैं देखते हैं कितना हमारे पास निकल के आता है, रखिए यहाँ पे टेक्निकल टीम उठ जाइए आप। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रखा हमने बोलो 0 इंटू sec स्क्वायर x, x की जगह पे क्या रखा पाई बाई 3, बात समझ में आया, y यहाँ पे sec की जगह पे क्या रखा 0 और x की जगह पे क्या रखा पाई बाई 3, सॉरी x की जगह पे क्या रखा पाई बाई 3 प्लस कितना आ गया c, जहां c क्या हो जाएगा एक समाकलन नियतांक हो जाएगा। अब देखिए ये 0 है तो कोई फंक्शन मल्टीप्लाई कराइए पूरा 0 ही हो जाएगा, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। अब बताइए 6 sec पाई बाई 3, पाई का मान होता है 180 बटे में कितना है 3, 60 डिग्री जाएगा, कितना हो जाएगा ये sec 60 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री प्लस c, और हम जानते हैं कि sec 60 डिग्री कितना होता है 2 होता है, क्योंकि cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना निकल आएगा बोलो sec 60 डिग्री, ये प्लस का सी है 2 है तो उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसी को क्या रखते हैं पुट इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं सिर्फ c का मान यहां पे रख दीजिए पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां पे y sec स्क्वायर x बराबर, देखिए कुछ नहीं करना, y sec स्क्वायर x बराबर यहां पे कितना है बराबर यहां पे बराबर sec x प्लस c, c का वैल्यू कितना निकला माइनस का 2, तो यहाँ पे जब माइनस का 2 करेंगे तो प्लस माइनस क्या माइनस डायरेक्ट नहीं लिख सकते माइनस का 2, अगर और डिवाइड करना है क्या आंसर यहीं पे मैच करा रहा है, अगर और डिवाइड कर रहा हो तो आप और डिवाइड कर दीजिए, तो अभी और ले जा रहा है, तो y बराबर निकालिए तो sec स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec x अपॉन में sec स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन में sec स्क्वायर x, वहीं पे छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं, एक sec x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन sec बचा तो sec ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है बोलो cos x हो जाता है, रिलेशन होता है 2, sec ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x मतलब cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यही क्या आपका निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर निकल के आएगा cos x। तो चेक कर लेते हैं y बराबर cos x माइनस
टू कॉस स्क्वायर एक्स, यही क्या रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ रहा है, क्या रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, यही पे हमारे पास निकल के आ रहा है वाई बराबर कॉस एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आएगा। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं इस एक्सरसाइज से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिटेल से पढ़िए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, खाली लेट के मत देखिए आप वीडियो को, ठीक है। अब एक चीज बताएं, 1 + x² dy / 2xy = 1 / 1 + x², वेयर y बराबर 0 एंड x बराबर 1 लिखा है यहां पे। एक काम करें, जो 1 + x² है, क्योंकि यहां पे dy / dx लाना पड़ता है, तो जो चीज हमने आपको बताया है इसके पास दिखे उसी से डिवाइड करते हैं, तो 1 + x², तो यहां पे लिखिए ऑन डिवाइडिंग 1 + x², तो क्या करेंगे यहां पे डिवाइड कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो 1 + x² से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहीं पे एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसे ही तो आप लिखोगे, यहां पर भी 1 + x² से डिवाइड करोगे और यहां पर भी क्या करोगे 1 + x² से डिवाइड करोगे, तो यहां पे जब डिवाइड करोगे तो ये यहां पे ऐसे आएगा इनटू में 1 + x², क्योंकि 1 + x² 1 / x² 1, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy / dx प्लस यहाँ पे 2xy / 1 + x². जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा होने में घाते जुड़ते हैं, तो यहाँ पे 1 / क्या 1 + x² / 2 नहीं आ जाएगा, बोलो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, गुणा होने में घाते जुड़ते हैं क्योंकि बेस क्या है इसके इक्वल है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कंडीशन बन गई हमारे पास, तो जब कंडीशन बन जाती है तो हम बिल्कुल फंडा जानते हैं कि ऑन कंपेयरिंग dy / dx प्लस py = q, बात समझ में। तो देखिए ये तो कंपेयर हो गया, कुछ नहीं बचा, y से y कंपेयर हो गया, तो क्या p बराबर जो वैल्यू निकल के आया 2x / 1 + x² नहीं निकला, बोलो, जो q बराबर निकल के आएगा, तो क्या q बराबर जो निकल के आएगा 1 / 1 + x² निकल के आया कि नहीं, बोलो। जब p और q का वैल्यू निकल के आता है तो हम एक रिलेशन जानते हैं y(e)(p/dx) और यहां पे q e^(p/dx) और यहां पे dx + c, जो यहां पे फंक्शन होता है वही फंक्शन यहां पे होता है। और ये क्या होता है आप एक चीज बताएं, जहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होता है pdx, देखिए ये फंक्शन की जगह फैक्टर की जगह पे फंक्शन बहुत निकल रहा है, तो यहां पे जहां जहां पे आपको p और q का वैल्यू रख रहा है दिख रहा है वहां पे देखिए p का वैल्यू कितना है, बोलो 2x / 1 + x² dx, q का वैल्यू कितना है 1 / 1 + x² / 2, और यहां पे p का वैल्यू कितना है, बोलो 2x / 1 + x² dx, और यहां पर भी ये dx और प्लस क्या आ जाएगा c, ये फॉर्मूला वाला dx देखिए इनटू में है। अब क्या करें, इस वाले पार्ट को अगर हम t मान लें, क्योंकि लाना किसके इक्वल है 2x dx को, अभी पीछे हमने बताया इसको, तो यहां पर मान लेते हैं लेट t = 1 + x². जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, लाना किसके इक्वल है 2x और dx के, तो सिर्फ क्या करें हम dx को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा 2x और ये dx, तो 2x dx किसके इक्वल आ जाएगा dt के। तो यहाँ पे रखिए y(e)(p), यहाँ पे dt / कितना हो जाएगा t, क्योंकि इसको माना हमने t, ये इक्वल आ गया dt के। इंटीग्रेशन 1 / 1 + x² / 2, जो कंडीशन यहाँ पे निकल के आती है वही कंडीशन यहाँ पे निकल के आती है, हमने आपको बताया dx प्लस क्या आ जाएगा c। अब देखिए y(e)(p), यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है इसका, log mod t होता है, mod में लिखे या सिंपल में लिखे doesn't matter, यहाँ पे 1 / 1 + x² / 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा log mod t, और यहाँ पे dx प्लस क्या आ जाएगा, बोलो c आ जाएगा, बात समझ में। यहाँ पे अब t का जो वैल्यू हम मानते हैं वही यहाँ पे पुट करते हैं, क्यों पुट करते हैं, क्योंकि फंक्शन जो दिया होता है xy के टर्म में वही हम यहाँ पे मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखे या मॉड में लिखे या डजन मैटर, हमने आपको बताया 1 / 1 + x² / 2, यहाँ पे e^(log), यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 1 + x², यहाँ पे dx + c। अब हमने आपको बताया था कि e^(log) पिछली वीडियो में बताते चले आ रहे हैं, हट जाएगा ये वाला फंक्शन, कहाँ जाता है इनटू में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 + x², यहाँ पे 1/1 + x² / 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा
वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस सी। देखिए यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक बचेगा। तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बोलो बराबर यहाँ पे बचा dx अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये कितना आ गया प्लस सी। अब क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया? आप अपनी सरसरी निगाहों से देखें, dx अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर हमने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x होता है। तो देखिए dx अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या टेक्निकल टीम आप कैमरा घुमा सकते हैं यहाँ पे? तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब क्या कर लें, इसको इक्वेशन वन बना लें। क्यों इक्वेशन बनाया? क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए कंडीशन दे रखा है, सी का वैल्यू निकाल करके तब जा करके डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जो हमें जरूरत होगी। तो यहाँ पे लिखिए पुट x बराबर वन और y बराबर कितना है जीरो, रखिए जीरो, यहाँ पे वन प्लस जीरो का स्क्वायर, x बराबर कितना है वन, तो वन का स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, x की जगह पे बोलो कितना है वन, वो प्लस कितना आ जाएगा c। बोलो इतनी बात साउंड माइक नहीं है आपको, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो जीरो है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्या हो जाता है जीरो, और हम जानते हैं कि जो tan वन होता है, tan पाई बाई फोर जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है वन, तो पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है 45। क्या जो वन लिखा है उसकी जगह पे पाई बाई फोर नहीं लिख सकते हैं? तो जीरो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे वन की जगह पे क्या रखा पाई बाई फोर, प्लस कितना है सी। और एक और हमने ITF में पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर वो रिलेशन नहीं देख मतलब नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़ें, tan इनवर्स tan इसका वैल्यू वन होता है, सिर्फ एंगल उठा लेते हैं, एंगल कितना है थीटा, एंगल यहाँ पे कितना है पाई बाई फोर, तो जीरो बराबर पाई बाई फोर प्लस कितना है सी। अब ये पाई बाई फोर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस में, तो क्या देखिए यही निकल के आ रहा है सी बराबर माइनस का पाई बाई फोर। इसको किस में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन वन, जो निकाल के लाते हैं पुट इन इक्वेशन वन, क्या है बोलो, वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे सी की जगह पे क्या रखोगे प्लस, सी की जगह पे पाई बाई फोर है तो माइनस का पाई बाई फोर रखेंगे, देखो यहाँ माइनस का पाई बाई फोर है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इससे डिवाइड भी कर देंगे तो वाई बराबर tan इनवर्स x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे वाई पाई बाई फोर हो गया बोलो अपॉन में इंटू वन अपॉन ये वन प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और आगे सॉल्व करना हो तो पावर प्लस की क्या ऊपर ले जाएंगे माइनस में, देखिए आंसर क्या यही मैच करा रहा है कि और भी आगे वो लोग बढ़ा रहे हैं, तो यहीं पे उन्होंने छोड़ दिया पहली बात, उन्होंने क्या किया आंसर को यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे आगे भी बढ़ा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी आपका आंसर सही है, अगर वो मान ले रहा हो तो वही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो 100% समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो आपको ऐसी ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।